हेलो दोस्तों, अब हम दूसरे सेगमेंट में यूपी टेट 2019 के दूसरे भाग हिंदी वाले प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31, चलिए कौन सा कारक है? अधिकरण, क्योंकि अधिकरण जो कारक है उसकी जो सिंबल है वो मे और पर होता है, इसमें मे शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। ये गद्यांश दिया हुआ है आप लोगों के सामने, इसमें गांधीवाद से जुड़े हुए घटनाओं का जिक्र है। चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अब आइए प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो उपर्युक्त जो हमारा गद्यांश है उसके विश्लेषण से हमें देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है वो राजनीतिक क्षेत्र की तरफ झुकाव ज़्यादा रखता है बजाय धार्मिक, सांप्रदायिक और आत्मा वाले पॉइंट से। तो इसका जो आंसर है वो राजनीतिक क्षेत्र तक सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इस गद्यांश में गांधीवाद का जो आधार है उसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। जो सही आंसर होगा वो होगा धर्मवीर भारती। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्लुत स्वर कौन सा होता है? ठीक है, तो स्वर जो हैं तीन तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जो हमारा प्लुत स्वर होता है उसको उच्चारण करने में हमें और दोनों स्वरों की तुलना में 3 गुना समय अधिक लगता है। तो इन ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है ओम, तीसरा है औम और चौथा है ओम। तो ऑप्शन नंबर 3 को जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो बाकी तीनों से हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए यही प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो आप यहाँ पर देखिए, तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होगा वहाँ पर कर्तवाच्य आएगा, बाकियों में यहाँ पर भाववाच्य, कर्मवाच्य और उभयवाच्य जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि राम ही यहाँ पर कर्ता है और वही प्रमुख है, तो इसमें कर्तवाच्य आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में श्लेष अलंकार है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर आप देखेंगे चार ऑप्शंस हैं, अंक, ऑप्शन नंबर दो चांद, अंगना और आंख। आप देखेंगे अंक अगर है तो उसमें पूरी पूरी अंक आएगा, उसमें चंद्र बिंदी नहीं होगा, और चांद में जो है जो चंद्र बिंद आएगा और आंख में भी ऐसा ही रहेगा, और लेकिन अंगना जो है ये करेक्टली लिखा गया है, तो ये ऑप्शन है यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे सब में लगभग सन्निधि ही लिखा गया है, लेकिन वो अपने टूटे फूटे फॉर्म में है सिवाय एक ऑप्शन को छोड़ के, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन। वैसे सन्निधि का जो अर्थ है वो होता है पास होना, ठीक है, निकट होना, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर करेक्टली लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो अगर हम किसी का उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए उसकी समस्या, क्योंकि बिना समस्या के हम कौन सा समाधान करेंगे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो चार सही होगा बाकी तीन ऑप्शंस की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक तुलसीदास जी की भजन से लिया गया है, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगए, छवि मोतिन माल अमोलन की। ये राम जी का वर्णन है उनके बाल्यकाल का, ठीक है। यहाँ पर जो उनकी अधर और उनके दांत हैं उनकी तुलना जो है एक औषधि होती है कुंद कली, उससे की गई है कि इस तरीके से लगता है मानो बादलों के बीच से, काले बादलों के बीच से बिजली चमक रही है। तो प्रश्न आइए करते हैं कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, क्योंकि राम अभी बाल्यावस्था में है, ठीक है, तो उनको देख कर ये काव्य लिखा है, तो जाहिर सी बात है इसमें वात्सल्य रस ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो वात्सल्य वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो जैसा मैंने पहले भी बताया ये जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स है सिर्फ वही दंत्य है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सा दंत्य होगा। अगला क्वेश्चन है 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो सबसे पहले हम शुद्ध शब्दों को ढूंढते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन है विसर्ग कंठ वर्ण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि महाप्राण अगर दो व्यंजन हम साथ में हमें बोलना है तो यह असंभव है, हम एक समय पर एक ही बोल पाएंगे, ठीक है। तो 44वें का जो अशुद्ध हमें मिला है वो है ऑप्शन नंबर थ्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? चार ऑप्शन हैं, एक वचन, कर्ता, पुल्लिंग और बहुवचन। तो आप यहाँ देखिए, वैसे लड़के जो शब्द है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है,
लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी एक ही लड़के की बात हो रही, तो वहाँ पे लड़का आना चाहिए। इसलिए जो है यहाँ जो बहुवचन है ये विकल्प अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित 46वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है नाथ, खेत, त्रिकुटी और प्रभु। तो यहाँ पर जो तद्भव है वो खेत है, क्योंकि इसका तत्सम क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो खेत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो पतलून, लाश और औरत, ये सारे विदेशी शब्द हैं। हमारे देशज शब्दों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हड़ाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। पहला ऑप्शन है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, दूसरा है मिथ्या आडंबर, तीसरा है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना और चौथा है अधिक पाने की लालच करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देने को ही हम मुहावरे के रूप में छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल बोलते हैं। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऋक और वेद मिलकर ऋग्वेद बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋक धन वेद बनकर ऋग्वेद बन जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि आप बीती ऋक धन वेद बनकर ऋग्वेद बन जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि आप बीती शब्द में समास है तत्पुरुष, द्वंद, कर्मधारय और दिगु। तो आप बीती को अगर हम संधि विच्छेद करें तो यह स्वयं पर बीती इस तरीके से कुछ है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा, इसमें तत्पुरुष समास ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य और नियोजन। तो इसमें जो नहीं है वो है नियोजन, क्योंकि नियोजन का अर्थ है स्थिर करना। आपने इसका उपयोग परिवार नियोजन जैसे टर्म्स में सुना होगा, तो वहाँ हम स्थिरीकरण की बात कर रहे होते हैं, ना कि किसी उद्देश्य या हेतु की। ठीक है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ऋजु का विलोम शब्द है। ऑप्शन है सीधा, त्रिकोण, सरल और वक्र। तो ऋजु का जो प्रयोग है वो हमारे ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा होता है। मैथ में दो तरह की रेखाएं बताई जाती हैं, ऋजु रेखा और वक्र रेखा। तो ऋजु का जो अर्थ होता है वो होता है सीधा। तो इसका जो विलोम होगा वो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वक्र, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो विशेषण का यहाँ पे अर्थ किसी विशेषता को बताने जैसा है, जो इंगित कर रहा होगा किसी विशेष चीज की विशेषता को। तो 26, दूसरा या ढाई,
ये जो है एक हिंट दे रहे हैं हमें, किसी संख्या को उनके नंबर्स में बताने के लिए कि कितनी क्वांटिटी में वो हैं, ठीक है ना। लेकिन वह नौकर आया है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये स्वयं की ही बात हो रही है कि अपना भला तो सबका भला, तो यहाँ पर देखिए निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो यही ऑप्शन भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संतान, कढ़ी, चील या सरसों? तो इसमें आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ संतान जो है वो पुल्लिंग है, बाकी तीनों पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो जो थोड़ा बहुत हिंदी के जानकार हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि इनकी जो अंतिम रचना थी वो निशा निमंत्रण थी। तो आप दो ऑप्शंस में इसको पकड़ सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप 50-50 करके इसको मार सकते हैं। बहरहाल ऑप्शन नंबर 2 जो है इनका सही है कि पहली इनकी रचना मधुशाला है, फिर मधुबाला, फिर मधु कलश और फिर निशा निमंत्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सबको याद नहीं रहेगा पता है। ये जो विशेष जानकार होंगे हिंदी के उन्हीं को ये क्वेश्चन वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को देखते हैं कि सुमेलित करना है हमें। तीन सभाओं का जिक्र है, हिंदी सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की। तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो हुआ था 1910 में। तो अब आपके सामने दो ऑप्शंस रह गए, 1 और 2। और जो हमारी काशी नागरी प्रचारिणी सभा है, ये हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सभा है, ऐतिहासिक सभा रही है ये, ठीक है। ये कुछ उन गिने चुने सभाओं में है जहाँ से हिंदी साहित्य का रुख पूरी तरह से बदल गया, ठीक है। ये बहुत ही सम्मानित सभा है। तो काशी नागरी जो प्रचारिणी सभा है वो हुई थी 1893 में, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 1 सही है इस हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तुलसीदास के रचनाकार हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है। तो तुलसीदास के रचनाकार हैं हमारे डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है, अनन्या से अनन्या आत्मकथा है, ये है प्रभा खेतान की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? तो एक बहुत ही फेमस भजन है, इसको अनूप जलोटा जी ने भी गाया हुआ है। तो ये जो है रैदास जी की लिखी हुई भजन है, बहुत ही अच्छी भजन है। तो
इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, थैंक यू।